प्रॉब्लम बताइए। सर ये नकल निकालने के लिए है राजस्व जी का घर से, नकल निकलवाने जाते हैं सर तो वहाँ पे आपके बारे में भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है और हमको तो बोला ही जाता है, और यही हाल भू इसका है निबंधन कार्यालय का, वहाँ से भी केवाला का नकल निकालने में मोटी मोटी रकम 10-10 हजार तक लिया जाता है, और राजस्व अभिलेखा का जिसमें सर्वे का है उसमें भी सर यही हाल है, वहाँ भी जाइए निकलवाने तो वहाँ भी पैसा मांगता है, और बिचौलियों के वहाँ पे रखे रहता है इकट्ठा करके, और बिचौलिया लोग कहता है कि आप पैसा दीजिए तो निकलेगा नहीं तो आपको लिखित में मिल जाएगा कि आपका ये नष्ट हो गया हुआ है, पुराना या नया सर्वे का खतियान नष्ट हो चुका है, और आपके बारे में भी अभद्र बोलता है। हम बोले कि हम मुख्यमंत्री जी यहाँ जा रहे हैं, उस समय नहीं ऐसा था, हम अनुमंडल में अप्लाई किए हुए थे लोक शिकायत में, तो बोला कि अच्छा ये सब चलित रहे छे, होते रहे छे, एमे कोई जो कहे के बात न है, अच्छा जा ना जहाँ मुख्यमंत्री के ना प्रधानमंत्री के यहाँ जा, ऐसा लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है वहाँ कर्मचारी के द्वारा। कहाँ कहाँ की बात? मुजफ्फरपुर का, मुजफ्फरपुर सर। लगान निर्धारण डीसी लांसर के द्वारा नहीं किया जाता है सर, कहा जाता है सिविल कोर्ट भेज देंगे, दौड़ते रह जाइएगा। ये मुजफ्फरपुर से आए हैं ये नौजवान, जरा सुन लीजिए, ये तो कह रहा है कि पैसा लेकर के सब इधर से उधर करता है, तुरंत दिखवाई जरा सर, जैसा कह रहा था कि जा रहे हैं वहां तक जाइए ना, कहीं जाइए, क्या फर्क नहीं पड़ने वाला है प्रधानमंत्री सब कुछ बोल रहा है, क्या मामला अंदर क्या कर रहा है, इसको जरूर भेजिए इधर से, कर रहा है एकदम सीधे, उसकी जांच करवाइए, तुरंत करवाइए। इसी लाख साहब के यहाँ का यही मामला है, जिसे मोहम्मद सर एक रिक्वेस्ट था, मोहम्मद सोहेल सर जिसे कह दिया ना।